Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD Urdu में सीख रहे हैं. Students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप regular basis पे हमारी क्लासें लेते आ रहे होंगे और AutoCAD को सीखने का इंटरनेट के थ्रू तरीका भी यही है. आप step by steps क्लासेस लेंगे तो आप सीख पाएंगे. अगर आप एक क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में चले जाएंगे तो आप इस तरह से कभी भी सीख नहीं पाएंगे. तो आज के लेसन में मैं आपको पॉइंट्स के मतलब बताऊंगा. AutoCAD के अंदर पॉइंट्स क्या चीज है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसकी सब ऑप्शंस कैसे यूज की जाती हैं. तो आई डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास AutoCAD ओपन हो जाएगा. मैंने डबल क्लिक कर दिया, मेरे पास AutoCAD ओपन हो चुका है. सबसे पहला काम हमेशा की तरह मैं अपने यूनिट सेटअप्स कर लेता हूं. यूनिट सेटअप्स के लिए आप फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद यूनिट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था यू एंड एंटर करें शॉर्टकट के थ्रू. तो आप इंजीनियरिंग फिट सरेंज ओके कर दें. देन आपको डायमेंशन अपनी सेट करनी है, डी एंटर करें. डायमेंशन के लिए आप डायमेंशन मॉडिफाइड कर रहे हो, मॉडिफाइड के अंदर जाएं और अगेन प्राइमरी यूनिट्स पर आ जाएं, इंजीनियरिंग पे आ जाएं और फिट्स और इंच पर आ जाएं, ओके और क्लोज कर दें. देन आपके पास ये जो एल शेप बनी हुई है जिसके एक कॉर्नर पे एक्स दूसरे कॉर्नर पे वाई है, इसको आप बिल्कुल एंड में ले आए, यानी कि आप व्यू में जाएं, डिस्प्ले में जाएं, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर दें. तो क्या होगा, ये आपका लॉक हो जाएगा. अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेसन बकायदा तौर पर पॉइंट्स. पॉइंट्स के लिए आप अपनी ड्राइंग टूल बार में चले जाएं, ड्रॉ टूल बार में देखें आपके पास ये पॉइंट्स बना हुआ नजर आ रहा है. यहां पे नाम से जाहिर है पॉइंट्स, तो आपके पास भी एक नुक्ता बना हुआ आएगा या आप अपने कीबोर्ड से पीओ एंटर कर सकते हैं. पॉइंट की आपके पास शॉर्टकट क्या आ रही है, पीओ एंटर करने से आपके पास पॉइंट एक्टिव हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर पीओ एंटर कर लेता हूं अपने कीबोर्ड से. जैसे मैंने एंटर किया, देखिए मैं पॉइंट्स ले लेता हूं यहां पे. वापस आए, अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूं पॉइंट्स के ऊपर, देखिए मेरे पास फिर पॉइंट्स आ चुका है. अब मैं जिधर जिधर क्लिक करता जाऊंगा मेरे पास कुछ छोटे 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 डॉटर्स बन रहे हैं. अब शायद आपको ये परफेक्ट दिखाई दे रहे हों या शायद नहीं दे रहे होंगे, मुझे कंफर्म में आपको नहीं बता सकता. लेकिन अगर आप गौर करें, देखें जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहां वहां आपके पास एक नुक्ता बना हुआ आ रहा है. तो ये मेरे पास पॉइंट्स की ऑप्शन है. अब सबसे पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पॉइंट्स मुझको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं. दिखाई ना देने से क्या मुराद है, इनकी जो शेप है मुझको परफेक्ट दिखाई नहीं दे रही है. यहां पर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, मुझे इनकी शेप्स को चेंज करना है. चेंज इसलिए करना चाहता हूं मुझे अच्छी तरह से वो दिखाई दे, तो उसके लिए मैं फिर फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा और देखें पॉइंट स्टाइल के नाम से आपके पास कमांड अवेलेबल है. आप पॉइंट स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दें. आप बाय डिफॉल्ट जो आप उठा रहे हो पॉइंट्स उठा रहे हो, एक नुक्ता बना हुआ उठा रहे हो, आपके पास ब्लैंक एरिया है, प्लस है, मुख्तलिफ आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं. जो भी आपको स्टाइल चाहिए उसको ओके कर दें, सेलेक्ट करके ओके कर डालें तो तमाम पॉइंट्स उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब आप जितने भी पॉइंट्स लगाओगे तमाम के तमाम इसके अंदर आ जाएंगे. देखें मैं इसको डिलीट कर देता हूं. अब अगर मैं न्यू ले लूं यहां पे, तो मेरे पास ये न्यू पॉइंट्स भी मेरे पास ऐसे ही निकल कर सामने आएंगे. अब ड्रॉ के अंदर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. हमारे पास पॉइंट्स की कुछ मजीद ऑप्शंस भी हैं. देखें सबसे पहले आ जाता है पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद सिंगल पॉइंट, तो नाम से जाहिर है एक ही पॉइंट ड्रॉ होगा यहां पे. अगेन मैं ड्रॉ के अंदर चला गया, पॉइंट्स इधर चले जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, मल्टीपल पॉइंट, यानी कि यही ऑप्शन जो इधर रखी हुई है उन्होंने इसको यहां पे मल्टीपल का नाम दे दिया. तो देखें आपके पास की मल्टीपल पॉइंट्स आ चुकी है. स्किप कर दें, सिलेक्ट किया, डिलीट किया. इसके बाद वापस आप ड्रॉ के अंदर चले, आपके पास पॉइंट्स के अंदर चले जाए, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है वो आ रही है डिवाइड. अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड. अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे मैं सिलेक्ट करूंगा ना. देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं यहां पर मैंने 100 फिट्स की एक लाइन लगा देता हूं. मैंने 100 फिट्स की लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो लाइन आ रही है ये मेरे पास 100 फिट्स की लाइन आ चुकी है. अब ये लाइन मेरे पास 100 फिट्स की है. अब ऐसा करना है, हमारे पास ये जो 100 फिट्स की लाइन है इसको मैं 600 में तकसीम करना चाहता हूं. जब आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहोगे तो आप इसको डिवाइडेड बाय 6 करोगे, 100 को
लेकिन आप AutoCAD के अंदर जब हो तो पॉइंट्स के अंदर जाएं, आप डिवाइड के अंदर निकल जाएं। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट कर देने के बाद कहता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि इसको आप कितने हिस्सों में, कितने पीसेस में, कितने सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड करना चाहते हो। मैं से कहता हूं मुझे 6 पॉइंट्स चाहिए। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब डिम स्केल लगा देते हैं हम, DIMSCALE नियर अबाउट 10 फिट्स का देता हूं मैं इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इधर आ जाएं, एक क्लिक आप इधर करें, दूसरा क्लिक इधर करें, तो यहां पे मेरे पास जो वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 16 फीट और 8 इंच की आ रही है। अगर आप यहां की भी देखें, यहां भी 16 8 की आ रही है, यहां पर भी देखें तो 16 8 आ रहा है। अब ये जितनी वैल्यू तमाम इक्वल इक्वल इसने लाई है, लेकिन मैंने क्या एंटर किया था, 6 एंटर किया था। अब 6 क्या था, 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे 6 कहीं नजर नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने ये कहा था, ये जो मेरे पास लाइन है 100 फीट की, इसको 6 पीसेस में डिवाइड कर दो। तो देखें 1 2 3 4 5 और अगेन 6, और ये 6 के 6 बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि आपके पास 5 पॉइंट्स ड्रा होंगे, बीच में जो आपके पास एरिया निकल कर आएगा वो 6 होगा, लेकिन लाइन आपके पास ब्रेक नहीं होगी। ये लाइन देखें वही आपके पास है 1 to 12, ये जस्ट आपको वहां पर ये पॉइंट्स ड्रॉ करके दे देगा। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहां पर हम इन पॉइंट्स का यूज देखेंगे। अगेन मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ये भी मेरे पास डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 100 फीट की लाइन ड्रॉ कर दी है इसको भी। अब अगेन मैं ड्रॉ के अंदर चला जाता हूं। अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ रही है, वो मेरे पास मेजरमेंट की आई है। अब इसमें क्या होगा, मेजर में चले जाएं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स बताएं। अब यहां पे आपको लेंथ डिफाइन करनी है। अब आपको यहां पर ये नहीं बताना आपको कितने पीसेस, कितने सेगमेंट्स चाहिए, नहीं, आपको ये बताना है आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का फासला कितना चाहिए। मैं अगर से कहता हूं मुझे एक पॉइंट से दूसरे बीच का फासला चाहिए तकरीबन 8 फिट्स, चले अब देखिए यहां पर मैं सिंपल 8 इंटर नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं 8 फिट्स। जैसे मैं सेंटर करूंगा तो अब हर 8 फिट्स के बाद एक पॉइंट ड्रॉ हुआ है, हर 1 फिट्स के बाद एक पॉइंट ड्रॉ हुआ है। अब आप ड्रॉ के अंदर आ जाए, सॉरी डायमेंशन के ऊपर आ जाए, एक क्लिक करें दूसरा क्लिक करें, तो देखिए 8 फिट्स के बाद आप इसकी कहीं से भी डायमेंशन ले लें, लेकिन लेकिन अगर आप एंड में चले जाए तो वहां पर देखें एक छोटा सा आपके पास पॉइंट आया हुआ है। तो ये आपके पास डेफिनेटली जब आप 100 के ऊपर टेबल को का अपना जो आपका 8 होता है 100 पे वो मुकम्मल मुकम्मल नहीं उतरता, तो 96 उतरता है मुकम्मल मुकम्मल 8। तो देखिए तो 96 के बाद वो मुझे बता देगा आपके पास जो 4 है वो रिमेनिंग है, तो ये आपको फासला मेजर करके देगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के अंदर एक और ऑप्शन आ रही है पॉइंट्स के अंदर। अब वो क्या चीज है, देखें जब हम लोग प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होते हैं, चले मिसाल के तौर पे मैं एक प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं, मेरे पास ये ऊपर की जानब लाइन है, बल्कि ऐसा कर लेता हूं मेरे पास एक कॉलोनी बना लेता हूं मैं छोटी सी। फर्स्ट करेंगे मेरे पास एक मेरा मैप बना हुआ है, ये यहां मेरे पास कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और मैं इसे ब्लॉक बना लेता हूं। मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया था आप ब्लॉक कैसे बनाते हो, मैं इसे होम का नाम दे देता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एंटर कर दें इसे, पिक पॉइंट इसे बता दें कोई भी। अब ये जो मैं शेप बना रहा हूं इसमें पिक पॉइंट लाजमी आपको ये वाला पॉइंट देना है, इस तरफ का फर्स्ट पॉइंट दे देना है। जैसे मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, नाम भी हो गया, सिलेक्शन भी होगी, पॉइंट्स भी ओके कर दिया। अब मैं अपने ब्लॉक को यहां पर इसका फ्रंट एरिया ले लेता हूं, कितना मेरे पास, तो मेरे पास की ये 16 फिट और 11 इंच का फासला है। अब मैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या करता हूं, आपके पास 150 का एक लाइन ले लेता हूं, बिल्कुल सीधी लाइन मैंने ले ली है 150 फीट की। अब मैं अगेन ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, पॉइंट्स के अंदर जाऊंगा, मेजर के अंदर जाऊंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कहते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट्स आर ब्लॉक, तो ब्लॉक भी इंटर करें। अब उस ब्लॉक का नाम बताएं जो अभी हमने बनाया है, मैंने उसको होम दे दिया, यस लाइन के साथ रखना है। कहते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट्स बताओ, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के दरमियान का फासला बताएं। अगर आपको बिल्कुल साथ साथ जो मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास हाउस का मैप बनाया था वैसे ही वो मैंने डिजाइन किया था आपको एक समझाने के लिए, अगर आप उसको साथ साथ रखना चाहते हो तो फिर आप वैल्यू एंटर करोगे 16 फिट्स और 11 इंच। अगर आप इसको कोई गैप देना चाहते हो तो मैं कहता हूं 18 फिट्स के बाद एक ब्लॉक बना डालो,
एंटर कर दें तो अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बेसिकली हर 18 18 18 18 18 के बाद एक एक ब्लॉक्स बना आ चुका है, लेकिन स्टार्ट और एंड में कुछ मिस्टेक होगी। बेसिकली होता क्या है, हमने इसको ये कहा था 18 फिट्स के बाद एक ब्लॉक बनाना, तो उसने अपने आप को इधर से आगे 18 फिट्स आगे लेकर गए, वहां से आगे एक ब्लॉक बना के दे दिए। तो मैं आपको इसकी डायमेंशन बताऊं, एक लेग इधर करें, दूसरा लेग यहां पे कर दें। तो देखिए मैंने उसको बोला था 18 फिट्स के बाद, तो ऑटोकैड ने इस जगह को इसको गैप दे के फिर एक ब्लॉक बना डाला, फिर इस लाइन से इस लाइन तक यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने मैयर की, ये भी आपके पास 18 है, तो इसने फिर इधर से यहां तक भी आपको 18 के बाद बना के दे दिया। लेकिन बनाता गया एंड में जाके यहां पे देखें, क्योंकि यहां से 18 के बाद फिर उसको 18 का बनाना था, लेकिन अब जगह होगी तो आगे आपको चाहिए होगा, तो इसलिए ये जो चीज है ये आपको खुद सोच के करनी होगी। आखिर वाली को भी आप चेक कर लें और शुरू में आप दोबारा से इनजेड ब्लॉक के अंदर जाके आप यहां पे लगा दें, तो क्या होगा, हमारी छोटी सी कॉलोनी विद इन सेकंड रेडी हो जाएगी। इस तरह से ब्लॉक्स को, पॉइंट्स को हो या ब्लॉक हो, उनको आप राउंड शेप से भी लगा सकते हैं। मैंने एक सर्कल ले लिया है, मैं ड्रॉ के अंदर गया, मैं पॉइंट्स के अंदर चला जाता हूँ, डिवाइड उठा लेता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, मैंने कहा इसको आप 8 पॉइंट्स में तक डिवाइड कर दो। देखिए इसने इसको 8 हिस्सों में तकसीम कर आपको दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन हमारा पॉइंट्स के ऊपर। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करती है, जो आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS के थ्रू उसकी हार्ड कॉपी आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूं, अगर आप इन वीडियोस की मास्टर कॉपी हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।